ये भी ज्यादा कहीं ना कहीं जो पूरा इलाका था माँ का लोग सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया कुछ समय के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस करो महाकाल लोक में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। महाकाल लोक में भ्रष्टाचार आज मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि महाकाल लोक के अंदर 6 मूर्तियां टूटी हुई पड़ी हैं, 9 मूर्तियां हैं यहां पर टूटी हुई पड़ी हैं, जिनको क्रेंग से अभी फटाफट ले जाया जा रहा है। एक साल हुआ है महाकाल लोक बने, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से महाकाल लोक बनाया गया और उसके बाद एक साल के अंदर ही इन वो ये मूर्तियाँ यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हैं। लाखों रुपए की मूर्तियाँ थीं। निश्चित रूप से महाकाल लोक के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ पर जो इसको जिसको टेंडर दिया था वो लोग, जो एजेंसी जिसने ये काम किया है वो दोषी हैं। और इस तरीके से साल साल भर में अगर मूर्तियाँ टूटने लगी तो निश्चित रूप से देखने में आएगा कि कितना भ्रष्टाचार। ये पूरे महाकाल लोक में 850 करोड़ रुपए का काम हुआ है। 850 करोड़ रुपए में प्रत्येक मूर्ति की कीमत 8-10 लाख रुपये आकी गई थी और 30 लाख रुपये आकी गई थी। और ये मूर्ति देखिए आप, अभी जैसे ही इसकी गर्दन टूटी और ये मूर्ति ले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं शायद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से काय से बनी है, प्लास्टिक से बनी हुई मूर्ति है ये। ये कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं रवि भदौरिया शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है, हम सभी लोग यहाँ तुरंत यहाँ पर आए और हमने देखा कि किस तरीके से इस महाकाल लोक को भी नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इसमें भी भ्रष्टाचार है। देखिए 3:30 बजे के करीब में बहुत तेज आंधी थी और पूरे शहर में और जिले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज आंधी में चूंकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आप देखे आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएं FRP की है, ये सबको मालूम है। और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे और धीरे धीरे आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बनने में काफ़ी समय लगता है। तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए और वो काम अब लगातार आगे चलेगा। लेकिन इतनी आंधी तूफान में स्ट्राइक का भव्यता को नुकसान पूछना कहीं कहीं जो अधिकारी उस समय थे उनको पर जाएंगे। देखिए जिस तरह के आंधी तूफान थे कई बार प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह के नुकसान होते हैं और स्ट्रक्चर में तो कहीं खामी नजर नहीं आई। इतने लोग थे यहाँ पे, हजारों लोग परिसर में थे। आपको मालूम है कि एक पेडेस्टल पे मूर्तियां हैं FRP की मूर्तियां हैं। तो इस तरह का ऐसे हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि भविष्य में इस तरह की चीज ना हो। सर उच्च गुणवत्ता की मूर्तियां बताई जा रही हैं कि सर छोटी सी आंधी तूफान में गिर गई सर, तो अन्य दूसरी मूर्तियां हैं सर। आंधी तूफान छोटी या बड़ी का क्या मतलब है? आंधी तूफान तो तेज आंधी तूफान था। कांग्रेस भी इसमें आरोप लगा रही है कि ये जो मूर्तियां बनाई गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई है, हालांकि अस्त्र धातु की मूर्तियां बनना थी और इसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं। देखिए मेरा विषय तथ्य बताना है। मूर्तियां FRP की थी। गलत तब होता है जब आप किसी दूसरे अष्ट धातु का कहीं टेंडर में उल्लेख नहीं था। FRP की मूर्तियां थी, FRP की मूर्तियां लगी है। इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, ये सबके संज्ञान में है। और इसलिए आपको मैंने पहले बताया कि इन मूर्तियों को पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित करना है धीरे धीरे, जिससे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पत्थर की मूर्तियां ही बाद में लगती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं। सप्तऋषि के अलावा अन्य कहीं नुकसान नहीं? ये आज जो आंधी तूफान आए इससे हम ये देखेंगे कि बाकी मूर्तियों की जो जमावट है पत्थरों पे वो मजबूत हो, इस पे काम करेंगे। कितने दिन महाकाल लोक बंद रहेगा? नहीं महाकाल लोक बंद नहीं रहेगा, महाकाल लोक जनता के लिए खुला है। अभी जो आंधी तूफान था मूर्तियां गिरी हुई थी, महाकाल लोक चालू रहेगा, महाकाल लोक बंद करने का कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।